हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 64th BPSC जो अभी मेंस हो रही है उसमें आज ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो पहले मुझे ज्योग्राफी की मिली है तो मैं ज्योग्राफी की डिस्कस कर देती हूँ। जैसे जैसे जो जो ऑप्शनल की पेपर मुझे मिलते जाएगी मैं यहाँ पर ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके, तो ये 3 घंटे की पेपर होती है और 300 मार्क्स की होती है। यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं। 2 सेक्शन होता है, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें आपको 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन ईच सेक्शन से आपको लिखने होते हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बताऊं तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट आप बोलोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो इसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। और ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शन में स्पेशली इस बार कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा पैटर्न में, जैसे कि GS में हम लोग देखते आ रहे थे। ये बिल्कुल सेम है और मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है। अगर आप लोग अच्छे से यहाँ पर ज्योग्राफी कवर करके गए होंगे तो आप लोग का डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो कितने बच्चे का यहाँ पर आप लोग का जो अटेम्प्ट लिए हो वो लोग ज्योग्राफी बैकग्राउंड के थे और ज्योग्राफी आपका यहाँ पे ऑप्शनल था, और आपका कैसा रहा, कितना क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट किए, आप लोग भी अपनी शेयर कर सकते हो। साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेक्शन वन है। सेक्शन वन में 6 क्वेश्चन में ऐसे आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कहा जा रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, और इसकी रिलेशन आपको बतानी है कि मेजर लैंडफॉर्म फीचर्स जो कि यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ में इवेल्युएट हुए थे, तो इसको लेकर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करनी थी प्लेट टेक्टोनिक, जो कि काफ़ी यहाँ इस बार कहा जा रहा था कि प्लेट टेक्टोनिक आएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपका 2 है। फर्स्ट में यहाँ पर आपका कंसेप्ट ऑफ एयर मासेस ऑफ फ्रंट बताना है, उसके बाद आपको फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन यानी कि फ्रंट के हेल्प से जो आप देखते हो कि यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस करना था। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे मेन सोर्सेज ऑफ ओशन डिपॉजिट बतानी है और इनकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी है ओशन फ्लोर में। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है आपके सॉइल फॉर्मेशन का और इसकी क्या रोल है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल में, इसको यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद आपको साइलेंट इकोलॉजिकल जो फीचर्स है मॉनसून फॉरेस्ट बायोम्स का, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको कंपेयर करना है क्वांटिटेटिव और बिहेवियर रिवोल्यूशन जो कि ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है और किस तरीके से ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। उसी में सेकेंड पार्ट है कि आपको यहाँ पे फैक्टर को डिस्कस करना है जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़ को गवर्न करती है। सिक्स क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है हर्टलैंड और रीमलैंड का और इसकी क्या वैल्यू है आज की डेट में वर्ल्ड में वो बताना है। साथ ही यहाँ पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कंटेम्प्रेरी पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को। ओके, तो ये आपके टोटल 6 क्वेश्चन थी सेक्शन वन में जिसमें से आपको 3 करनी है। अब सेक्शन 2 में आएंगे जो कि इंडियन ज्योग्राफी का होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल जो कि इंडिया में है उसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना था। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करनी है पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो कि इंडिया में देखने को मिल रहा है और इनकी स्पेशल वेरिएशंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो इंडिया में है उसको डिस्कस करना है और इसकी क्या मेजर्स है इसके बारे में आपको सॉल्यूशंस भी यहाँ पे देना है। इसी में है आपको कि रिलेशनशिप भी आपको एक्सप्लेन करना है इरिगेशन और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिस्कस करना आपको फैक्टर्स जो भी यहाँ पे एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के लोकेशंस को यहाँ पे आपका गवर्न करती है। उसके साथ ही आपका जो रोल है मार्केट सेंटर का जिसमें कि रूरल डेवलपमेंट इंडिया में प्रमोट होती है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 10th क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको अर्बन डेवलपमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना है। साथ ही कुछ यहाँ पे मेजर्स भी आपको सजेस्ट करनी है और साथ ही इंडियन ओशंस की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको डिस्कस करना है रीजनल डेवलपमेंट इशूज़ जो कि बिहार में देखने को मिल रहा है और इसमें आपको कुछ यहाँ पर सजेशंस भी सजेस्ट करनी है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है बिहार में और कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो इस तरीके के पैटर्न का है उसको आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। ओके, तो ये 12 क्वेश्चंस पूरी है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन बनानी होती है। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी रिसोर्स पॉइंट करके, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। साथ ही मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाऊंगी, वहाँ से भी जाकर आप यहाँ पर PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम में भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF होती है मैं आपको शेयर कर देती हूँ। साथ ही मेरी अन अकेडमी की लेसन्स और जो YouTube की लेसन्स होती है उसकी लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाती है। ओके, तो आप लोग का भी एग्जाम कैसा रहा जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी यहाँ पे मुझे मिलते जाएगी PDF मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।